लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये पत्थर कब से यहाँ? ठहरो बाबा, मैं उठाती हूँ। बुढ़ापे में ताकत नहीं रहती। तुम थक गए बाबा? हाँ, पर थकने से क्या होगा बेटी? अपने पुरखों के बनाए हुए इस मंदिर का अभी तो उद्धार करना है। परवाना बन के देखा क्या है जलने का मजा, परवाना बन के देखा क्या है जलने का मजा, क्या है जलने का मजा, परवाना बन के देखा क्या है जलने का मजा। भैया भैया फतेह, भाभी आज अपनी फतेह हो गई। भला ऐसा भी आज क्या तीर मारा है? जवार और चावल कमा कर लाया हूँ आज। जवार और चावल? मतलब? ऐसे क्या देखती हैं भाभी, अपनी 7 महीनों की नौकरी के आज नाटक कंपनी के मालिक ने दाद दी, ये लीजिए बाकी के 3 रुपए। अरे पर आज के नाटक में शायद तू शिवाजी का काम करने वाला था ना? क्या कहूँ भैया, वो दगाबाज मैनेजर मालिक से चुगली खा गया और ऐन वक्त पर एक सिनेमा एक्टर को मेरे रोल के लिए चुन लिया, और अपने लिए रह गई द्वारपाली ही। द्वारपाली? बस यही डोरकीपरी। फिर ऐसे हिंदी में कहना चाहिए ना। बोलो आज खाना खाना है ना? ओहो ओहो, गांव में नाटक कंपनी आ जाए तो गणेश ने आज तक घर पे खाना खाया है क्या? आज की रात तू चने मुरमुरे पर ही काटने वाला था ना? भैया भैया, रंगभूमि की ईमानदारी से सेवा करने वाले अपने सैकड़ों हजारों भाइयों को
ये चने तक नहीं मिलते आजकल। मगर तेरे लिए हम दाल रोटी से तो नहीं गए गुजरे गणेश, तुझे दाल रोटी खिलाने के लिए तो मैं यहाँ हूँ। भैया पगला कहीं का, चल कपड़े बदल, हाथ मुंह धो। सुनो, आज गणेश की खातिर के लिए निहायत अच्छी अच्छी चीजें बनाना, दावत जोरदार हो। हाँ हाँ होगी जोरदार, ऐसी के बस देवर जी याद रखें। मतलब रोटी दाल भात थोड़ी सी चटनी और अदरक का एक टुकड़ा। यह होगी जोरदार दावत। जी हाँ, हमारे देश में लाखों गरीबों की यही रोज की दावत है। चल चल। बाबा बाबा गंगा पास हो गया और मेरा पहला नंबर आया। वाह 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 वाह, अरे सुना क्या, गंगा पास हो गया, रानी का पहला नंबर आ गया। हाँ हाँ सुन लिया, ईश्वर के कैसे रंग है भला, बुद्धि बेटी को दी और बुद्धू रखा बेटे को। मैं कहता हूँ तो तुम मानती नहीं, दो बरस गंगा को मेरे हवाले कर दो, ऐसा तैयार होगा कीर्तनकार बनेगा। नहीं तो क्या, कीर्तनकार का बेटा पहलवानी तो नहीं करेगा। ये हरगिज नहीं, गंगा को तो शिक्षा देनी ही है, बेटा है ना वो, इसका नाम भले ही स्कूल से कटवा दीजिए। ऐसा क्या मेरा दोष है, भला परीक्षा में पहला नंबर नहीं लिया मैंने। बस बस सुना, पहला नंबर रोटी दाल तो चलती नहीं, दोनों की शिक्षा का खर्च हम कहाँ से देंगे, और तेरी शिक्षा के लिए पैसे खर्च करें इसका फायदा क्या है। तुझे क्या नौकरी करना है? करूंगी करूंगी, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आके बेटी हूँ तुम्हारी। पर बेटी ही है, बेटा तो नहीं। मैं बेटी हूँ, मेरा अपराध है क्या? अभी चर चर करेगी तो जबान काट डालूंगी। पहला नंबर पा लिया तो भला कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ लिया। तुझे चूल्हा जलाना आता नहीं, ना बेलनी आती है रोटी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचुंबकं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कौन रानी, ऐसे अकेले क्यों बैठी है बेटी? ऐसे कुछ नहीं माँ जी। क्या है बेटी? यही कि तुम मेरा नाम कटवा दो स्कूल से। सुबह मैंने तुझे डांट पिलाई थी इसलिए कहती है, मैं गुस्से में राम जाने क्या कुछ कह जाती हूँ। बेटी मेरी बात से तू आज मुझसे ऐसे रूठ गई है। नहीं ऐसा नहीं, मैं तुमसे कैसे रूठूंगी, पर बाबा का कष्ट मैं नहीं देख सकती माँ। तुमने कहा है वो बस ठीक है, गंगा ही को शिक्षा देंगे। कैसी गुणवती है ये मेरी लाडली। रानी आज स्कूल में तुझे पहला नंबर मिला है, ऐसे स्कूल छुड़ाते हुए कौन जाने आज मेरे दिल की क्या हालत। पर मैं कुछ कहाँ कह रही हूँ, घर रहकर जितना हो सका बस उतना पढ़ लूंगी। ऐसा क्यों कहती है बेटी? रानी बेटी मैं तुझे सिखाऊंगा, शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाना कोई जरूरी तो नहीं है। बाबा तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हारे तरफ कीर्तन कथा करूंगी। तथास्तु बेटा तथास्तु। बाबा कीर्तन के लिए पुराणों की कथाएं लेनी चाहिए, ऐसा नियम है क्या? नियम नहीं पर ऐसी परंपरा है। अगर महापुरुषों की जीवन कथा का कीर्तन किया जाए तो क्या हर्ष है? पर कीर्तन के लिए ऐसे कौन महापुरुष? अवश्य है बाबा, नेताजी सुभाष बाबू, उनकी जीवन कथा का कीर्तन जरूर हो सकता है। नेताजी सुभाष बाबू? हाँ नेताजी के वो पुरजोश बोल किसे याद नहीं। Yeah.
तमाशा वाजा हो रहा है, देखो भला देखो, वही सितारा जान तो नहीं? हाँ साहब, रास्ते पर वो कहा है कि सितारा जान, ये तो कीर्तन वीर्तन लगता है किसी बाई का। बाई का और कीर्तन? हाँ। वाह क्या बात है, कौन है? रानी पैठनकर। पैठनकर भला? वो सुनो, ये वो नहीं, वो तमाशे वाली नहीं है। नेत्र जागता रणचंडिका सभी का यज्ञ कान का यज्ञ सभी का जी के ये पुरजोश लव सुनकर आजाद हिंद फौज के सारे जवान शेर हो गए। उन्होंने भारत की सरहद पर सर धड़केबाजी लगा दी, पर फिरंगियों की तोपों की ताप न ला सकने पर आखिर उनके पांव उखड़ने लगे। बहुत ही नाजुक था मौका, खोलता खून सर्द होने लगा, आजादी का उबाल ठंडा होने लगा, जियालों के मन टूटने लगे। वो पहली शिकस्त थी, नेताजी की फौज की पहली शिकस्त, वो भी भारत की भूमि पर। इम्फाल की जंग हारी, आजाद हिंद सेना शिकस्त पा गई। बिखर गए जवान, पटक गई सेना, पर डट के खड़ा हुआ था बस एक ही बहादुर। दृढ़ता से, ईर्ष्या से, चट्टान से डटे हुए थे बस नेताजी। गरज रही थी उनकी तेजस्वी वाणी, वो बोले, एक लड़ाई हारे मगर युद्ध नहीं हारा, बादल गरजे बिजली लहराए मगर ध्रुव तारा ढलता नहीं, ये युद्ध आखिर हम ही जीतेंगे, फिरंगियों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा और हमारी मातृभूमि आजाद होगी, ये सच्चाई की लड़ाई है, सत्यमेव जयते। रानी, पानी पर रखने लगा, मेरा ख्याल है कीर्तन यहीं पर छोड़ दे बेटी। देखा भला, प्रमाण है ये, सबूत है ये, नेताजी जिस सभा में भाषण दे रहे थे वहाँ ऐसे ही पानी बरसने लगा था, लेकिन वो ऐसी नन्ही नन्ही फुहार नहीं थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहाँ भी गए नेताजी, भी गए लोग, भी गए मर्द औरत बच्चे, पर बच्चा बच्चा अपने जगह पर डट कर बैठा रहा। सभा से सवाल किया नेताजी ने, भारत के सपूत अगर बमों की वर्षा में डटकर खड़े रहे तो क्या ऐसी वर्षा से डरकर वो भला भागेंगे? भाई और बहनों, मैं आपसे पूछती हूँ, ये कीर्तन जारी रखना है या यही खत्म करना है? पंचों में परमेश्वर, आज जो बोलूंगी वही होगा बेटा। नेताजी सभा में बोले, दोस्तों
भारत माता की आजादी के लिए मैं आपके सामने फकीर की तरह खड़ा हूँ, और इस फकीर ने आपके सामने झोली फैला दी है। दीजिए और दीजिए, यहीं सदा लगाता रहूंगा। अपना शुरू किया हुआ आजादी का युद्ध जीतना चाहते हैं तो वतन के लिए हर तरह के बलिदान पर तैयार रहिए। करो सब निछावर। बेटा वाह, धन्य हुआ मैं। बलवंत राय, बॉनेट खोलो। खोलता हूं। ए साला, बीच में गाड़ी काहे को हवा गया? अब तुमको दिखता नहीं क्या, हमारा गाड़ी बारिश से भीग गया, उसका हम क्या करेगा। जा उस तरफ से बचा ले, जा जाओ ना बाबा, जा जा। क्या रूप, क्या जवानी, क्या आवाज। ओफ, अरे यार, ऐसी छोकरी अगर अपने अखिल विश्व नाट्य दर्शन अकादमी के स्टेज पे आ जाए तो पैसे के जोर की बारिश में से बारिश। क्या बात कही साहब, मेरी खोपड़ी में पत्थर भरे पत्थर, तुम्हारे खोपड़ी में पकता गया है।
गाड़ी धकेलो आगे। धकेलता हूँ। साहब इधर कहाँ भटक रहे गलत रास्ते पर? मुर्गई का। अरे भटक नहीं रहे बल्कि तितली के लिए फुलवारी की ओर जा रहे। फुलवारी? हाँ माने तितली वही है। मंदिर और कैसा इसका उद्धार? बाबा तुम चिंता करो नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं कीर्तन करूंगी, नौकरी करूंगी, मेहनत मजदूरी करूंगी, पर पुरखों का ये मंदिर मैं फिर से बनाऊंगी। नाट्य दर्शन नाटक मंदिर के बाला साहब? ओहो कौन बैठक कर तुमसे मिलने का ख्याल तक न था। इधर से हम जा रहे थे, अचानक ही मंदिर के गिरने के आवाज सुनकर यहाँ आ गए। देखो तो किसी को चोट तो नहीं आई ना? नहीं चोट नहीं आई। अरे 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 बहुत नुकसान हो गया होगा। क्या कहा जाए, एक ही रात में हम तो साफ हो गए। आज सरकार से दास की एक ही प्रार्थना है, कुछ नाचीज की मदद हो जाए। बंदा हुजूर की हर चाकरी को तैयार है, फरमाएंगे तो टिकट बेचने लगूं, पर्दे खींचूं, दरबान या डोर की प्री करूं। मैं आज से कंपनी के हर छोटी बड़ी चाकरी के लिए तैयार हूं। चाचा कितनी ही मुश्किल आए लेकिन हम कभी हाथ फैलाते नहीं। गणेश बिल्कुल ठीक है बाबा, अपने मुल्क का मिजाज ही ऐसा है। बलवंत राय साहब अपने अगले खेल का पैसा बाबा के मंदिर के मदद के लिए धर्मार्थ देने का ऐलान कर दो और घर घर अपनी सारी मंडली भेज कर टिकट बेचे जाए। आपने बड़ा उपकार किया। जी जी पर उपकार कैसे है बाबा, ये सहायता इंसानियत का फर्ज है। अच्छा गणेश चाचा जी कल परसों मिल लेना मुझे। जी तुम्हें नाटक में कोई पार्ट देने का तय किया है हमने। क्या आप भला मुझे पार्ट देंगे? साहब इनके लिए तो कोई पार्ट है तुम्हें समझ नहीं, अगर इनके लिए अभी पार्ट नहीं है तो हमें कैसे भी पैदा करना पड़ेगा। बैठे कैसे, उतरो नीचे, थकेलो गाड़ी। हाँ बलवंत राय किससे बात कर रहे हो तुम? मैंने अपने से कहा है साहब। ऐसे बकबक के बजाय फौरन खोलो और जरा दुरुस्त करो गाड़ी। मैं तुम्हारी खोपड़ी? नहीं नहीं आप कष्ट नहीं करें, बंदा जो यहाँ हाजिर है बस देखिए इस गणेश के बाजुओं का बल। साहब ने आपको अंदर बुलाया है। नमस्ते। नमस्ते क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार। हाँ हाँ विनय कुमार आओ। बाय No, thanks. क्या नाम है तुम्हारे नाटक का? शुभ्र कमल। शुभ्र कमल? शुभ्र कमल, शुभ्र कमल। नाम जरा पुराने ढंग का है। क्या विषय नाटक का? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका। झांसी की रानी? नहीं नहीं अरे ये भी क्या नाटक हो सकता है? न रोमांस, न विनोद, न गाना। पर बाला साहब लोग आज क्या मानते हैं भला? ये देखो लोग आज क्या मानते हैं भला, लोग है हमारे देवता। नाटक में आजकल थोड़ा रोमांस भी हो, गाना भी हो, नाच भी हो, थोड़ी हंसी भी हो और मजेदार इश्क प्यार भी हो। एक फर्स्ट क्लास फास्ट लिखो हमारे लिए। माफ कीजिए
मैं ऐसे घटिया नाटक लिखता नहीं और न मुझे ऐसा नाटक आइंदा लिखना है। नमस्ते। ऐसे लेखक इसीलिए भूखे मरते हैं। फिर साहब उस बाबुल मोरा को बुलवा लिया जाए, फर्स्ट क्लास फार्स है उसके पास। हाँ बुलवा लो उसे। हाँ बलवंत राय साहब कहाँ चल दे? अच्छा बाबुल मोरा को पहले ये काम तो पूरा कर लो, स्क्रू टाइट करो। ओहो कौन गुलाब, आज सुबह सुबह सरकार की सवारी इधर कैसे आ निकली? तुम्हारा इरादा जानना चाहती हूँ। मेरा इरादा कैसा भाई? अजी 15 खेलों का पैसा तुमने मुझे नहीं दिया। मूर्ख ना हो, अरे 1500 में आमदनी ही नहीं हुई, नुकसान ही उठाया है। झूठ है, तुम्हें पैसा आए ना आए कलाकार किस लिए भूखे मरे? क्या बात कही भाई, हमारे भी 2 महीने के पैसे आपकी तरह है गोद। फिर बके बलवंत राय, उधर स्क्रू टाइट करो। बाकी का कोई मरे या बचे इसकी तुम्हें चिंता किस लिए हो रही है? तुम्हें कहीं कोई ना कोई होश में हो ना बाला साहब? नीच शैतान। नीच शैतान? याद रखना पैसे मिले बगैर तुम्हारे नाटक में काम पर कभी नहीं आऊंगी। मैं कह देता हूँ तुम्हारे बगैर। शनिवार हम शो कर रहे हैं, गुलाब भाई चली गई तो? बिल्कुल गधे हो तुम, कहाँ कैसे क्या बोलना इसकी तुम्हें जरा भी समझ नहीं। सारे स्कूल ढीले हो गए हैं, चलो उधर फिट करो। ऐसे क्यों झेपते हो, पूरी करो ना अपनी बात। हाँ हाँ पूरी करता हूँ, मैं डरता हूँ? पर क्या बात कही थी मैंने तुम्हारे बगैर? हाँ हाँ तुम्हारे बिना नाटक नहीं रुकेगा, ये अरमान भी तुम निकाल लेना। अच्छा तुम्हें कोई नया ताजा शिकार मिल गया है? ऐसी बातों से तुम्हें क्या वास्ता है? पत्तियां छड़ गई, सुंदर रह गए सूखे कांटे, वारे गुलाब। नीच शैतान दगाबाज। शैतान दगाबाज। बलवंत राय अब तो सारे स्क्रू टाइट हो गए साहब, अब मेरे में स्क्रू टाइट करो। बोल बैक। हाँ हाँ आपके स्क्रू, समझा ये बात है। इसे चांस दिया, नाम बना कर दिया, पैसा दिया और इसे ली गा लिया। ची 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 ची। इश्तेहार दिया, टिकेट बेचना शुरू किया और ये बद्दात बकती है काम पर हरगिज नहीं आएगी। मक्स फटा जा रहा है आज। ओह अंदर जाते ही मग एकदम टाइट हो जाए। कनपतरा पैठन कर आपसे मिलने आए। कह दे साहब आज पूजा पर बैठे हैं, आज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कनपतरा पैठन कर ठहरो, अंदर भेजो उन्हें। बलवंत राय ये पूजा की चीजें एक और रख दो। नमस्ते नमस्ते। हे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। गणपत राय एक बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, हमारी हीरोइन धोखा दे गई। हीरोइन धोखा दे गई? हाँ। अरे 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 अरे, हीरोइन मिलने के बगैर सनीचर का प्रोग्राम होगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो तुम ही हमारी सहायता करो तो। मैं? हाँ बाला साहब ये होगा नहीं, उम्र ही गुजर गई, मैंने कभी स्त्री पाठ किया नहीं। तुम्हें पाठ के लिए कहाँ कहा है भाई, तुमने भी कमाल किया। अजी तुम्हें स्त्री पाठ देकर मेरा असर पब्लिक के जूतों से गंजा हो जाएगा। मैं तुम्हारे भाई की बेटी रानी की बात करता हूं। रानी? और नाटक में? हाँ बस एक ही खेल के लिए मदद मांगता हूं मैं। भला सोचो मंदिर का काम है ये, नाटक भी देवी उषा और भगवान अनिरुद्ध का है, यानी उषा हरण। और तुम्हारा भी नाटक में काम तय कर दिया है पुरुष का? हाँ भाई देखो तुम्हें मदद करना ही है। कुत्ती कैसे सुलझाएं? जनाब एक बार कोशिश करके देख लें। चलिए मेरे साथ, खुद ही चलकर भैया से मुलाकात कर लीजिए। भवानी देवी की कृपा चाहिए, हर मनसूबा पूरा हो सकता है। चलो जी शुभ शीघ्र। बलवंत राय बलवंत राय चलो। चलिए चलिए आप चलिए मैं आता हूं। चलिए बस एक ही इशू, ज्यादा नहीं, एक ही प्रोग्राम की बात है ये, और वो भी इसलिए कि इन्हें मुश्किल आ पड़ी है। हाँ तेरा क्या विचार है रानी?
तुम्हारा विचार ही तो मेरा विचार है ना। पर तुझे क्या लगता है ये तो जानू ना। एक आध प्रोग्राम में काम करने में कोई हर्ज नहीं ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तू जो मुनासिब समझे वो कर। ये मुझ पर आपने उपकार किया है, नहीं तो मेरी सख्त परीक्षा थी। बलवंत राय साहब, रानी देवी को उषाहरण की कॉपी दो। पर मैं लगूंगी अच्छी उषा के रूप में। तुम्हारा कीर्तन पहले दिन जब सुना उसी वक्त मन ही मन कहा देवी उषा बेशक यही है। क्यों बलवंत राय? हाँ हाँ अजी बेशक यही कहा था। ये मन से बोले थे तो आपने वो कैसे जान लिया? यानी मन से पर नाटक में काम करने से पहले तो सीखना होगा मुझे। यही है ना, 8-10 दिन में तुम तैयार न हो गई तो डायरेक्टर का धंधा छोड़ दूंगा। देवदत्त, पहले एक्ट में जो उषा और अनिरुद्ध का प्यार का सीन है ना, वो काट डालना समझे। मैं सिर्फ उसके पलंग के पास जाऊंगा, उसे देखूंगा और लौट जाऊंगा। पलंग पर बैठकर आप मेरा हाथ हाथ में लेंगे ऐसा तय किया था ना? अगर कोई बादारी आर्टिस्ट होती तो बात ही और थी। उसके अलावा लोगों को उल्टी सीधी कहने का मौका क्यों दे, वरना बाद में अफसोस होगा। भी क्या चाहते क्यों हो? नहीं ना जाओ ना। उषा देवी, उषा देवी, क्या हुआ? क्या आंख खुल गई उषा देवी? हंस हंस प्यारी, कोई मारे या बच्चे तुझे परवाही क्या? ये बात नहीं है उषा देवी, नाराज क्यों होती हो? अरे तुमने स्वप्न देखा होगा। नहीं स्वप्न नहीं था, अच्छी तरह जागे हुई थी। गई हो ऐसा भी वो छलिया कौन था? क्यों लगी लाज, लाज प्रीत केरी, क्या देखा बसंत सपनारी, क्या देखा बसंत सपनारी, कहां से पियाए, कहां से पियाए, आए क्या बोले छता तब गालों की है बिखरी, छता तब गालों की है बिखरी। कहो ना मन महकी
क्या शक है? साहब भी कमाल की नजर रखते हैं। घर जाते ही माजी से कहिएगा कि नजर उतार दे। जी, मुझे किसकी नजर लगेगी? हर एक की नजर अच्छी नहीं होती। हसीन, मेरे पिताजी को ऐसे किसी की नजर लग गई थी और सारा घर तबाह हो गया। तुम्हारे पिताजी? जी हाँ, बड़े मशहूर कलाकार थे। सच? गुरुनाथ का नाम जरूर सुना होगा आपने। ओमा, वो गुरुनाथ? बेशक वही। और तुम? मेरा नाम देवदत्त है। हूँ तो उसी गुणी पिता का मैं लाडला पुत्र, पर क्या? प्रॉम्प्टिंग का और मेकअप का काम करके पेट भरना ही मेरा आदर्श बन गया है। मतलब? मुबारक हो, दिली मुबारक। तारे देवी, तुमने तो स्टेज की दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों को मात कर दिया है। बस रहने दीजिए, बाबा का हाथ बटाने के लिए यही बेहतर है कि स्टेज आर्टिस्ट बन जाओ। ओहो, पर तुमने बीए अगर किया होता तो घर वालों के लिए नौकरी वोकरी करती या नहीं? ठीक है, लेकिन नाटक का पेशा मेरे लिए भला? हमारे कंपनी में कोई ऐसी बात देखी तुमने? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसी बातों में बड़ा सख्त हो रहा दीदी। एक दिन एक शख्स दारू पीकर आ गया था एन प्रोग्राम के वक्त, उसी वक्त चाबुक से उड़ाकर उसे निकाल दिया था मैं, है ना देवदत्त? हाँ तो रानी देवी, तुम जैसी शरीफ लड़कियां अगर इस लाइन में नहीं आएगी तो सुधरे की नहीं। आजकल खांसी बहुत बढ़ रही है देवदत्त तुम्हारी, जरा दवा वालो ना। जरा मेरे मशवरे पर विचार किया जाएगा, यह आशा रख सकता हूँ मैं। साहब, वो फंक्शन भी तो करना है अभी, राम मंदिर के लिए थैली देने का। रानी देवी के पिताजी को स्टेज पर बुलवाया है, चलिए आइए ना। सुनो तो। आती हूँ। ये थैली संभाल के रख दो। अब तो मंदिर का बड़ा काम है ना,
कम से कम रसोई में फर्श तो कराना ही पड़ेगा। फर्श नहीं करा सकते, मंदिर का पैसा मंदिर के लिए ही खर्च करना पड़ेगा। पर भैया फंड का थोड़ा पैसा अगर घर में खर्च कर लें तो हर्ज नहीं, वैसे भी तो रिवाज है ऐसा हर जगह। हर जगह होगा, परंतु गणेश हमारे बाप दादा ने कभी ऐसा नहीं किया। त्रेता युग की कथा करते रहिए, आज सारी दुनिया कहां से कहां चली गई है, मगर पता नहीं कि इस घर की मट्टी कैसी है। सह्याद्री की मट्टी है ये। गरीबों का हमदर्द तुकाराम और लंगोटी बांधकर संसार की चिंता करने वाला रामदास इसी मट्टी से घड़े थे। आया आया, क्या है? नमस्ते। नमस्ते, मैं इंजीनियर शेषाद्री हूँ। बाला साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। बाला साहब ने भेजा है? मंदिर ठीक करने का काम है ऐसा बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तुम्हें वही ले जाकर दिखा देता हूँ। बाप रे, ये क्या ठीक होगा, नया ही बनाना होगा ये सारा। इसका मतलब है कि ये थोड़े से पैसे से नहीं बन सकेगा। हमारे पास तो 2000 से ऊपर एक कौड़ी भी नहीं है। क्या कहा, महंगाई कितनी है आज, 2000 से एक दीवार भी खड़ी नहीं होगी। नहीं, वैसे हो सकती है, पर उसका फायदा क्या है, आज बनवाएंगे और पहली बारिश से गिर जाएगी। यह है मेरी लड़की रानी। इन्हें कौन नहीं जानता। ये इंजीनियर शेषाद्री हैं, बाला साहब ने मंदिर बनाने के लिए इन्हें यहाँ भेजा है। बाला साहब ने? वो माँ, पर हमारी ताकत से बाहर है ये इतना बड़ा काम। और पैसे की आप क्यों चिंता करते हैं, बाला साहब ने सारी जिम्मेदारी तो ले ली है। नहीं नहीं, ये भार जिसका है उसे ही उठाना पड़ेगा। मैं काम तो कल सुबह से शुरू कर देता हूँ, पैसे वैसे का आप और बाला साहब फैसला करना। अच्छा, बाबा एक बात कहूं? छीछी रानी, हम लोगों को किसी का कोई उपकार नहीं चाहिए। उपकार नहीं चाहिए, पर बाला साहब के कंपनी में मैं काम करूं तो क्या हर्ज है? तू नाटक का काम करेगी पैसे के लिए? कभी नहीं। क्या बुराई है आखिर, मुझसे हजारों भले घरों की लड़कियां काम करती हैं, अपना संभलना या बिगड़ना औरों के हाथ नहीं बल्कि अपने हैं। रानी वो तो ठीक है, पर तुझे शादी का भी विचार? शादी शादी शादी, जो ऐसी जल्दी थे तो आपने पैदा होते ही क्यों ना शादी कर दी मेरी, फिर तो इस आए दिन की चिंता से जान छोड़ जाती सबके। ऐसा नहीं बेटी, क्या हुआ रे गंगा, मिल गया ना तुझे कॉलेज में प्रवेश? मिला है, पर मिलना ना मिलना एक सा है। मतलब 400 रुपए भरना है कल उधर। उमा, 400 रुपए? फिर तो तेरी शिक्षा समझ पूरी हो गई गंगा, अब तुझे कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी। क्यों भला, परीक्षा तो पास कर ली, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इससे प्रवेश मिल गया, ये क्या इसने अपराध किया? दुनिया में सबसे बड़ा अपराध मजबूरी है बेटी। मजबूर इंसान को भला आगे बढ़ने का सोचना भी नहीं चाहिए, हाथ पांव उसके किस लिए हैं? अपने घर की हालत सुधारने का रत्ती भर भी प्रयत्न हो न करे, अपने घर वालों को उनके हाल पर छोड़ दे और शादी का विचार लेकर बैठा रहे। ऐसा नहीं बेटी, पर तुझे हम नाटक में जाने तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आखिर, अगर दुनिया वाले बकवास करते हैं तो शौक से बकते रहे। सारी दुनिया ही बदल गई तो हमें भी उसके साथ बदलना चाहिए। वो हमसे तो नहीं होगा रानी,
अपना वही पुराना मत है। ठीक है फिर कहिए गंगा से, वो कहीं मट्टी वट्टी ढोने की या पत्थर वत्थर तोड़ने की नौकरी कर ले, और आप जैसे ही पहला मुहूर्त देखें वैसे ही मेरी शादी करके भगा दीजिए मुझे यहाँ से। रानी बेटा देख बेटा रूठ गई। अरे हमारी समझदारी, हमारी श्रद्धा, हमारी पूंजी, तू नाटक में काम करने के लिए क्यों तैयार हुई है मुझे मालूम है, अपने मंदिर का उद्धार करने के लिए। ठीक, तेरे मन को जो भला लगे वो तू कर, पर देख जो करना है वो कभी भी पैसे के लिए न करना, कीर्ति के लिए भी न करना, और अपने घर बार की गरीबी दूर करने के लिए तो हरगिज कुछ न करना। बाबा बाबा तुम्हारा मन सचमुच उदार है। नमस्ते, अब फिर यहाँ? जी हाँ, मैंने नाटक में काम करने का तय कर लिया है। अच्छा ठीक है, पर आपसे इतना कह दूं, ये जगह, ये मालिक। ओहो, कौन? रानी देवी, कमाल है कमाल है। अजय क्या कहूँ, परसों का तुम्हारा काम कमाल सराहा जा रहा है, और पेपरों ने तो तुम्हारे तारीफ से कॉलम भर डाले हैं। इस नाटक की तुम्हारे सबब से पब्लिक की कितनी डिमांड है। आओ 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 न। ये सुप्रसिद्ध फार्स लेखक, और ये रानी पैठनकर। नमस्ते। और ये गणपत राय पैठनकर। ओ हाउ डू यू डू, आओ आओ आओ। क्यों बाबुल मोरा? बाबुल मोरा, ये तो पेन नेम है अपना, ये सारे रखते आजकल, कारण फैशन ही है ऐसा। इन्होंने नया फार्स लिखा है, हमें तो नए नाटक की हर समय जरूरत है। अच्छा। मेरे लिखे हुए इस फार्स का नाम है मेरी बीवी का दिलदार। अजी छी भला क्या होती है, आजकल सारे फार्स के नाम ऐसे रखते हैं। हाँ। अजी नाटक के नाम माने माल ही माल है। क्यों साहब? जाओ जाकर काफी लेकर आओ। लाता हूँ। मेरी इस फार्स में हीरो हीरोइन के लिए इस दफा एक ट्विस्ट का सीन भी है बाला साहब। ट्विस्ट माने क्या भला? ट्विस्ट मालूम नहीं तुम्हें? ट्विस्ट मालूम नहीं? वो एक विलायती पद्धति का नाच है। विलायती नाच है? हाँ। फिर वो भारतीय नाटक में किस लिए? वाह सुनो अजय क्या बात हुई, हम जो विलायत से पैसा लेते हैं, शस्त्र लेते हैं, अनाज लेते हैं, फिर कला के लिए कम से कम उनका एकाध नाच लेने में क्या अर्ज है? कैसा होता है ट्विस्ट का नाच? अजी इजी एकदम, अभी बताता हूँ आपको। अरे राजू, राजू राजू माँ उतार। अपने हथियार सदा तैयार रहते हैं बलवंत राय, ये तुम बजाओगे ना? दोनों हाथों से बजाया जाता है ये, बजेगा ना? दोनों हाथों से बजाना है ना, यही काम है अपना। भाई वाह, क्या भारतीय पोशाक चढ़ा दी है इस ट्विस्ट डांस को। 1 2 3 4 चला 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 तुम कहाँ चला लाला, युरड़ी युरड़ी युरड़ी, यहाँ चला लाला तुम वहाँ चला लाला तुम कहाँ चला लाला। ताऊ आओ, चाचा आओ, नाना आओ, मामा आओ, काशीबाई अजाबाई प्यासीबाई गाजाबाई, संग चला लाला संग चला लाला संग चला, चला 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 तुम कहाँ चला लाला। घर में हुआ घोटाला,
जरूर था भी हो लाला बंद करो ये दबाजा। अरे अपनी कंपनी भला कोई घटिया मंडली समझिए? बलवंत राय, बलवंत राय इन्हें तो पता नहीं है पर अपने कंपनी के रीत रिवाज तुम भी नहीं जानते। पर साहब आपने आप क्या है बुर कहेगा ले जाओ इन्हें, फिर कभी ऐसा नाटक किया तो खबरदार। ये रहा तुम्हारी बीवी का दिलदार। अच्छी तंबी की निकम्मक, इन सस्ते फार्स वाले कमजात लोगों ने ही हमारे शानदार ऐतिहासिक नाटक बर्बाद किए भाला साहब। आज हमेशा ये क्रिकेट रही है। अब फिर कहिए रानी देवी, अभी एकदम काम शुरू करना है ना, उषा हरण की फिर अच्छी तरह से हम रिहर्सल शुरू करेंगे, दूसरे एक का तुम्हारा नृत्य भी अच्छा परफेक्ट करेंगे। अजी मैं नाटक में काम करने आई हूँ, आपने कैसे जाना? मन अपना राज मन को बता ही देता है। बस रहने दीजिए। बलवंत राय कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले आना। जी लाया। इस नाटक के हर 12 शो के बाद एक पूरे शो की आमदनी इनके मंदिर के उद्धार के लिए देने की क्लास डालो। समझा। और देखो चेकबुक ले आना। जी लाता हूँ। और स्टाफ को सूचना दे देना। क्या? आज रात से रिहर्सल आरंभ। जी। ओ माँ आज से? जी आज से। क्या बकवास है बलवंत राय? नहीं जाता हूँ। गणेश चाचा आज मैंने तुम्हें अपना सगा चाचा बनाया। गणेश चाचा तुम्हारे लिए भी इस नाटक में काम है। शिव शंकर का। पार्वती पते हर हर महादेव। बस बस नाटक की टिकट फिर तो काला बाजार में बिके ही समझो। ये कॉन्ट्रैक्ट आओ बैठो। चाचा ठीक है, ठीक है। ये 500 रुपए का बैरेज चेक। शुक्रिया। गंगा की कॉलेज फी की अब चिंता नहीं। कॉफी। लो आप लीजिए। हेलो चाचा कॉफी। नमस्ते जी। तुम? जी मैं। इतनी जल्दी आंखें बदल ली सरकार? आज बिजी हूं मैं, फिर कभी मिलना मुझे। अच्छा जी, फिर तो थोड़ी देर मुझे बैठना होगा। नहीं नहीं आज मुझे वक्त नहीं, प्लीज। ये तुम्हारी नई नायिका है ना? हाँ हाँ, हो गया तुम्हारा काम, बस जाओ। बेहतर, तुम शिकार तो कमाल का करते हो। कमाल है बाला साहब, आपका नया रंग मुझे मालूम नहीं था। रंग? कैसा रंग? नाटक के साथ आप शिकार का भी शौक रखते हैं? शिकार? हाँ अपने साहब नाटक से फारिग होती अक्सर किया करते, शिकार भी। तो हम चलते हैं। इंजीनियर से मंदिर का काम शुरू करने के वास्ते कह दिया है, चिंता न करो। ओ, धन्यवाद, बाबा ने भी आपका आभार माना है इसके लिए। आइंदा मुझसे आभार के बाद बन, मैं कोई पराया तो नहीं। पर पैसे का? वो सभी मुझ पर छोड़ो, उसका तुम्हें हिसाब मिल जाएगा, फिर ठीक है? बेशक, चलें। पैसे के आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, बस मंदिर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर। क्या ख्याल है रानी, कर दूं ना हस्ताक्षर कॉन्ट्रैक्ट पर? हाँ बाबा कर दीजिए, बाला साहब आज ही कह रहे थे मुझसे। अजी कॉन्ट्रैक्ट बनाते क्यों हैं? इन म्युनिसिपैलिटी वालों से और इनकम टैक्स वालों से,
बड़ी होशियारी से हमें निपटना पड़ता है। और फिर सीमेंट का परमिट, लोहे का परमिट। ठीक है सब कायदे से ही होना चाहिए। नागराज, उषा, बानासुर है? मैं तो द्वारका नगरी में सोया था, फिर उषा देवी के महल में कैसे आ गया? महाशय, ऐसे ढोंग मैंने बहुत देखे हैं। सीधी तरह बताइए कि आप कौन हैं? और उषा देवी के महल में आधी रात को चोरी करने के इरादे से आने का आपने साहस कैसे किया? मैं कुछ नहीं जानता। हे भगवान, मोहे लोटा हो और होता, भला कहां गया, कैसे गया, किसने चुराया मेरा मूल्यवान रत्न? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। दिखता तो है राजवंशी गोल मटोल। उषा देवी, ये तो कोई पक्का चोट्टा लगता है मुझे। अजय, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं श्री कृष्ण का पोता हूँ। श्री कृष्ण का पोता? श्री कृष्ण भला वो गोकुल का चोर? फिर क्या, अजी 7 पीढ़ियों से चोरी आपकी परंपरा ही है। उषा देवी, मैं रक्षकों को बुला लाती हूँ, तुम्हें इन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वाह, कहाँ चले जी? कहाँ चले चलिया मेरा दूध के दिया, कहाँ चले चलिया मेरा दूध के दिया, मेरा दूध के दिया घर मेरे आके मुझको बुला के चलिया चलिया चलिया। छिपा
सुंदर एक्टिंग। ऐसा ना कहो, अभी तो मंजिल तक पहुंचना है। वाह कमाल किया है रानी, कमाल किया है। कहां है मेरी कन्या को बहकाने वाला वो मदन का बच्चा? कहां है बाबा? बाबा मेरी सौगंध है आपको। चल दूर हो बाबा। बाणासुर, ये मदन पुत्र अनिरुद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है। बाणासुर, ये मदन का पुत्र अनिरुद्ध, ये मदन का पुत्र अनिरुद्ध, वो निशस्त्र है। निशस्त्र पर शस्त्र उठाने वाले आया अधर्मी, निर्वंश जाने के लिए मेरा पुण्य और धर्म खत्म नहीं हुआ। तुझे तुझे सामने के बीच के तीन पेज गोल कर दिए, अब काम पर क्या कर सकते? आप कुछ भी बोलो, शंकर को भेज दिया जाए। शंकर को बुला, शंकर 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 तो नहीं, शंकर शंकर, अरे क्या कर रहे हो? शंकर की मूछ लगाना है अभी तो। अभी तक क्या सो रहे थे? वहां इनकी एंट्री आ गई। लेकिन बाकी सब कुछ है ना, इसमें से लोग जान लेंगे यही शंकर। अरे शंकर है या मुल्ला? अरे बाकी क्या करें अब, चलो। पर मेरी मूछ, मेरी मूछ, मेरी मूछ, इधर पब्लिक, इधर मेरा नाक, मेरा नाक, मेरा नाक, मेरा नाक। इस गदा के एक ही वार से तेरा सर ही फोड़ डालूंगा, और मैं तेरा इस शस्त्र से। बाणासुर, क्रोध में अंधे होकर अनर्थ का कारण बनने की चेष्टा न करो। कौन? साक्षात कैलाशपति, मैं आपकी शरण आता हूं। इस मदन पुत्र अनिरुद्ध की वंदना है। बेटा तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब ये थोड़ा सा कलश का काम भी हो जाए तो फिर मंदिर का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना शेषाद्री? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर अभी तक मेरा बिल नहीं चुकाया गया। मतलब? अजी पिछले 3 महीने से बाला साहब ने पैसे देने का नाम नहीं लिया, कम से कम 10,000 रुपए का बिल बाकी है। ये कैसे हुआ है? कैसे हुआ है ये तुम्हें पूछना बाला साहब से। पूछूंगी मैं उनसे, कोई अड़चन आ गई होगी शायद। जीवन में अड़चन तो आती ही रहती है, मगर रानी जिसका देना है उसे वक्त पर देना चाहिए। इनकी भी तो अपनी मुश्किलें हैं ना। क्यों नहीं, 2-4 दिन तक पैसा पहुंच जाएगा तुम्हें, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसे कायदे से भी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें लोगों की है, बाला साहब की और अपनी लिखत पढ़त कभी हुई कहां है? क्यों बाबा? लो देखो बाला साहब आ गए। क्यों आज ऐसा गंभीर मुखड़ा क्यों? नहीं, यूं ही किसी चिंता बिना मुखड़ा नहीं ढलता। कहो क्या हुआ है? एक बात कहूं? खुशी से, इसके लिए मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? आपने शेषाद्री का हमारा बाकी बिल अभी चुकाया क्यों नहीं? क्यों, तो क्या उसने तुमसे पैसा मांगा था? मांगा नहीं था, पर आज उसने इशारा फेंका। 5-10 हजार का बैलेंस रहता होगा। पर क्यों, मेरे हिसाब से सारा बिल उसे अब तक तो मिल जाना चाहिए था। फिर हुआ क्या, धंधे में थोड़ा पैसा इधर उधर रहता है। पर उसका पैसा तो जल्द ही दे दीजिएगा, मुझे किसी का पैसा रखना ठीक नहीं लगता। यही है ना, दे दूंगा वो, आज का अपना 50 प्रोग्राम है, ये होने दो। ओमा हम कहाँ जा रहे हैं आज? बस देखना, तुम्हें एक स्वप्न नगरी में ले जाऊंगा मैं। वो सामने की चोटी देखते हो ना, वो है मशहूर रामगिरी। वहां राम सीता अक्सर बैठते थे। ओह हाउ ब्यूटीफुल, कैसे जोश से उठकर आ रही है। कौन?
कोई नहीं, वो समंदर के लहर किनारे से मिलने के लिए कितनी अधीर हो रही है। मधुर है ये मेरा नमस्ते। 3 घंटे आप बाला साहब के साथ घूमती रही हैं। देवदत्त, तुम कौन सा आखिर काम करते हो? मेकअप मैन का, प्रॉम्प्टर का या टाइम कीपर का? आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। उमा, सच? आप खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। अच्छा, यही है ना? पर इसकी तुम्हें इतनी चिंता क्यों है भला? बाला साहब को 5 बरस से मैं जानता हूँ। तो क्या, कई भोली लड़कियों का जीवन नाश कर चुके हैं। ये तुम ऐसे उनसे जलने वाले खुद गर्ज लोग कहते हैं? ये सारा जग कहता है। फिर तुम्हारा जग बड़ा ही जलील और घटिया है। वैसे याद रखो कि तुम एक मामूली प्रॉम्प्टर। बहारें खुल के मुस्कराई। हेलो बाबुल मुरा। बाला साहब, आज सुबह से आप कहाँ गए रे? स्वर्ग में। स्वर्ग में मेरा महबूब यूं आया। बलवंत राय, मैं आज स्वर्ग की सैर कर रहा था। ओ, पर बोल बंधु, मैं आज तुम्हें कौन से भेज दूं? कुछ नहीं, अपने उस फार्स का कुछ हो जाए सरकार। तथास्तु, बच्चा वचन है मेरा ये। अगला नाटक तुम्हारा फार्स। जाम आँखों के छल के ऐसे नशा नया पाया। अरे मुझे बधाइयां दो, बधाइयां। मैंने शादी तय कर ली, जानते हो? रानी मेरी धर्म पत्नी होगी। फिर खत्म है सब खेल। अजी आप फार्स कैसे कर सकेंगे? बलवंत राय, अरे फार्स क्या, मैं नौटंकी करके दिखाऊंगा। नौटंकी? जरा शादी होने फिर देखो। रानी को मैं ट्रेस्ट में ले जाऊंगा, ठुमरी गवाऊंगा, दौलत की बारिश होगी, मेरे घर में सोने की ईंटें लगेगी। अरे ऐसे देख क्या रहे हो दोस्तों, आज मुझे बधाइयां दो, बधाइयां। तेरी सजी रह महफिल है मजा यही मोहब्बत का। अजी मुबारक। तुम फिर आ गई। मोहम्मद पहाड़ के पास ना आए तो पहाड़ को ही उठकर मोहम्मद के पास जाना पड़ता है। ये तुम्हारी वही अमेरिकन है क्या ख्याल है? इनका ख्याल क्या पूछती है, सेवा के लिए बंदा जो हाजिर है। जल्दी साहब की बलवंत राय। आज कैसे चली आई तुम? एहे, क्या सवाल पूछा है सरकार ने? आज तुम्हारे नाटक का 50वां प्रोग्राम है ना? बिस्की। बिस्की। वाह 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 बाला साहब, स्कॉच है जी स्कॉच। साक्षात देवी नजर आ रही है गुलाब भाई। मित्रों, आज ऐश करेंगे। ऐश ऐश आज नाचूंगा, ऐश चुड़ाऊंगा। अरे क्या स्कॉच देखी नहीं तुमने? रात का शो आने तक भी सब्र नहीं। इधर ला, रख दो अभी। रखी नहीं जाती, पी जाती है। अभी? ना ना, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। देखो गुलाब, आज तो 50वां प्रोग्राम है। फिर जरूर पीजिए, गोल्डन जुबली की। फिर क्या हुआ रानी प्यारे? छोड़िए छोड़िए बाला साहब, सामने पब्लिक बैठे हुए हैं। पब्लिक बैठी है तो क्या हुआ रानी? ये क्या करते हो? छोड़ो। रानी प्यारे,
कम से कम पब्लिक की तो शर्म करो। कौन पब्लिक? पब्लिक पब्लिक का हमसे क्या वास्ता है? अरे क्या बकता है? पैसे पैसे फूंकता हूँ तुम्हारे पैसे पर। जलील बेशरम, मुझे क्या ऐसी वैसी बाजारी औरत समझा है? बुला, तुम ही मुझे थाम लो जानी। पत्तियां झड़ गई सुंदर, रह गए सूखे कांटे, पब्लिक तुम्हें ठीक करेगी। चल गया ना पता कैसा है ये गुलाब। आओ आओ पीछे के दरवाजे से ले चलो। खाली जा रहे हो? अरे अरे मैं नहीं देखा है। मैं हूँ। रानी देवी, एक शब्द भी न कहना। नाटक वाले मैंने असली रूप में देख लिए हैं आज। कहाँ है वो बाला का? कहाँ है वो रानी? घबराइए नहीं, मैं जाकर उनसे निपटता हूँ। आप यही रहिएगा। देवदत्त, मेरे प्राण जाने तक आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दरवाजा नहीं खुलेगा। अंदर रानी है, बाला साहब तो भाग गए हैं। उनके अपराध की सजा उन्हें देना चाहिए। रानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं भी मर्द बच्चा हूँ, मुझे अपनी माँ बहनों की इज्जत जान से भी कहीं ज्यादा प्यारी है। आज जीते जी मैं यहाँ से हरगिज नहीं हटूंगा। सिटी और बंदूक की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर पुलिस कहाँ है? बुजदिल भागे, बुजदिल जो यूं पुलिस पुलिस का शोर मचाया या पटाखा चलाया तो आन कान में भाग गए सब। ओमा चाचा तुम थे? अरे करीम, लोग भाग गए, अब किस लिए पर्दे की सिटी बजाते हो? शाबाश। सारा उद्धार तुम्हारे हाथों से होगा ऐसी ईश्वरी इच्छा लगती है। अपने इस मंदिर का सारा उद्धार तुम्हारे हाथों से होगा। अपने अगले खेल का पैसा बाबा के मंदिर के मदद के लिए थमार देने का ऐलान। बाला साहब को 5 बरस से मैं जानता हूँ। कई भोली लड़कियों का जीवन नाश कर चुकी हूँ। बाला साहब को 5 बरस से मैं जानता हूँ। कई भोली लड़कियों का जीवन नाश कर चुकी हूँ। क्षमा करो रानी, तुमसे एक लफ्ज भी बोलना मैं नहीं चाहती। मेरी आंखें आज तुमने खोल दी हैं, अच्छी तरह से समझ लिया है मैंने तुम्हें। जाओ जाओ यहां से, मुझे अपनी सूरत पर कभी न दिखाना। लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे फरेब में आकर कभी नाटक का नाम ले सकती हूँ मैं? तुम्हारे साथ किए कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म हो गई। वो ठीक है, पर मंदिर का बाकी काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। उसके लिए मैं भीख मांग लूं पर तुम्हारे दरवाजे पर मरते दम तक नहीं आऊंगी। सोच लेना, अभी तुम्हें भाई की शिक्षा पूरी कराना है। इसका फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं। भला इतना मिजाज हो गया है? ये बाला साहब जिसे बना सकता है बिगाड़ भी सकता है उसे। ऐसे मिजाज वाले उसने मिटा कर खाक कर डाले। ये धमकी तुम मजबूर लाचार शोहरत के भूखों को जाकर देना। हालात के बंधन तोड़ देने की मुझमें हिम्मत है, समझ गए? अच्छा, तो जब घर के खटिया बर्तन नीलामी के लिए बाहर रास्ते पर रख दे जाएंगे तो ही मिजाज ढलेगा। बस्ते घर के लिए जबान पर ये बात लाते शर्म नहीं आती?
याद रखना, मैं सह्याद्री के पत्थरों में पली हूँ। और मैं भी रेगिस्तान के रेत वेत पर नहीं खेला। तुम शराफत से अपना रास्ता लो नीच, निकल जाओ पछताओगे वरना। ये लो, बाला साहब भी आ गए। बाला साहब, अब मैं एक दिन भी नहीं ठहर सकता, मुझे आपकी बात का। तुम्हें ठहरने के लिए कहता कौन है? ये मेरा दिल। तुमने कॉन्ट्रैक्ट इनसे किया था, मेरे साथ नहीं, इनसे पैसा वसूल करो। बाला साहब, अजी इतना पैसा मैं कहां से दूंगा इन्हें? ये अपने लाडली से पूछना। बाला साहब, ऐसा तो ना कहिए, उससे अगर कोई भूल हो गई है। कसम है मेरी, इससे आप एक लफ्ज भी ना कहना। अपना रास्ता लो बाला साहब। मैं जा ही रहा, पर शेषाद्री कोर्स से डिग्री मिलने पर इस जगह की जब बोली हो बुला लेना। बाबा, ये तो आपस की तुम ही निबेड़ना, पर मैं ये कह दूं, कल सवेरे तक मेरा बिल चुकाया न गया तो कोर्ट में जाकर ही बिल वसूल करना पड़ेगा। क्यों बाबा, मैंने आज बाला साहब को खरे खरे सुनाकर कोई गुनाह किया है? कोई गुनाह नहीं बेटी, कोई गुनाह नहीं। सह्याद्री पर्वत की मट्टी बहुत पथरीली और लाल है, पर अब कर ही क्या सकते हैं, लिखत पढ़त पक्की और साफ की ही नहीं थी। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग सदा ही विश्वास पर चलते आए हैं, ये हमारी खानदानी रीत है। मैं कॉलेज छोड़कर नौकरी कर लूं, आखिरी परीक्षा पास न की तो कोई बात नहीं। नौकरी से क्या होगा गंगा, अरे सीपी से समंदर का पानी कहां तक निकालेगा तू? जो भगवान की इच्छा है वही होगा। बाबा, मेरे ही कारण ये सारी मुसीबत आई है। आपड़े जो सर पे सहना को हंस के। क्या फैसला हुआ होगा कौन जाने। लो वो आ गए। क्या हुआ, हो गया फैसला? हाँ हो गया, सारा ही फैसला हो गया, उन्हें डिग्री मिल गई। मंदिर का उद्धार करने के लिए रात दिन मैंने मेहनत की, उसका ये फल है क्या? बाबा बाबा, ईश्वर अंधा हो गया है क्या? ईश्वर के घर में थोड़ा सा भी न्याय नहीं रह गया? ऐसा मत कहो बेटी। मैं कौन सा अपराध कर बैठी थी जो मुझे ये सजा मिली है? तुमसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ था जो तुम पर ये पहाड़ टूट पड़ा है? नहीं नहीं, यहाँ कोई सच्चाई नहीं, न्याय नहीं, ईश्वर नहीं, यहाँ तो है बस पैसा। रानी देवी, तू क्यों आए, किस लिए आए? मुझे जलील करने के लिए, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? मैं तुम पर बिगड़ी थी, आज उसका तुम्हें बदला लेना है? तुम्हें जो जानना है मैं कहती हूँ। कोर्ट ने फैसला कर दिया, तुम्हारे बाला साहब निर्दोष छूटे, शेषाद्री को डिग्री मिल गई, और हमारा घर जल्द ही नीलाम होगा।
बर्तन उठाकर बाहर रखेंगे और बेघर होकर हम रास्ते पर बैठेंगे। यही जानना था ना तुम्हें आज? जाओ जाओ जाओ। रानी देवी, मुझे तुमसे सहानुभूति नहीं चाहिए, दया कृपा नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए। मेरे साथ जो भी हो रहा है होने दो, बस तुम जाओ जाओ जाओ। मेरी सूरत भी देखना आप नहीं चाहती हैं, तो जाता हूं मैं, पर एक बार देखिए मुझे। मेरा अभी यह जख्म नहीं भरा। क्या कहता यह जख्म आपसे? ये देवदत्त यहां यूं ही सहानुभूति और दया दिखाने के लिए आया है? क्षमा करना देवदत्त, मुझे क्षमा करना, आज मेरा मन ही ठिकाना नहीं। पर ऐसे निराश होने से क्या होगा, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सारे रास्ते बंद हो गए हैं, 15 दिन में 10,000 रुपया भरना है हमें, कौन देगा इतना पैसा? जिस लोग गंगा ने यह मंदिर खड़ा किया था, इसे वही खड़ा रखेगी। मतलब? मंदिर का कर्जा वापस करने के लिए हम नाटक शुरू करेंगे। पर इतनी बड़ी रकम? सारी योजना मैंने पक्की कर ली है, पब्लिक को आपसे कितना प्रेम है इसकी आपको कल्पना नहीं। आपका नाम इतनी बड़ी शक्ति है कि ऐसे कई मंदिर आपके इशारे पर खड़े हो जाएं। पर नाटक? तय है नाटक भी, विनय कुमार के शुभ्र कमल का मैं फैसला कराया हूँ। शुभ्र कमल, झांसी की रानी? हाँ वही, 50 रुपए अपने टिकट का पहला रेट होगा, घर घर जाकर खुद मैं टिकट बेचूंगा, 15 दिन में 10,000 रुपए हो ही जाएंगे, ऐसे घबराती क्यों हैं आप? सच? अगर ऐसा हो जाए तो? क्यों, इसमें शक की क्या बात है, होगा ही। शेषादि से मैं सारी बात करके आया हूँ। ओमा, जरा हंसी नहीं, पर हंसी है ना? नहीं नहीं देवदत्त, नहीं। श्री राम मंदिर की अनोखी भेंट, विनय कुमार का शुभ्र कमल यानी झांसी की रानी। झांसी की रानी के रूप में कुमारी रानी पैठनकर रविवार तारीख 26/11 रात के 8:30 बजे जनता थिएटर हॉल। भगवंत राय साहब, ये नाटक होना नहीं चाहिए। नहीं होगा? लेकिन कैसे? आपने जब कह दिया नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। बेवकूफ कहेगा, ये नाटक बंद कराने के लिए तुम क्या कर सकते हो? गुंडे? क्या यानी नाटक में गुंडे भेज दूं, दंगा फसाद करा दूं? बुरा कहेगा, पुलिस चौकी हवा खाना है क्या? पुलिस साहब, फिर उन्हें थिएटर ही नहीं मिलने देंगे। गला कहेगा, वो तो उन्होंने ले लिया है। फिर साहब समझिए, हम उन पर नहीं, आप जो कहिए वही करूं। किसी भी तरह ये नाटक बंद कराना ही पड़ेगा। हाँ पर ये तुम्हारा रुपया गिन लो ये। मुझे ये गिनने की क्या जरूरत है, तुम मुझे कम थोड़ा ही देने वाले हो। पैसे आ ही जाते, ऐसी जल्दी तो नहीं थी। आखिर तुम कहीं भागे नहीं जाते थे और मैं भी कहीं भागने वाला नहीं था। कोर्ट में जब केस किया था उस वक्त हम भागे जा रहे थे ना। तुम समझे नहीं, अजी व्यापार में ऐसे केस वेस तो चलते ही रहते हैं। ये रसीद, इस पर साइन करो। हाँ। अरे गंगा, बाकी के सब लोग आ गए क्या? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नमस्ते। शुक्र है भगवान का। दगाबाज। क्या बात है? अब आया है सारे हरामखोर, इन्हें तो तोप से उड़ा देना चाहिए। क्या हुआ चाचा? वो सारे किस हालत में आए, चलकर देखिए। मैं कहता हूँ कि सारी उस पाजी बाला साहब की चाल लगती है मुझे। अरे गंगा, रॉब छोड़, पब्लिक आने लगी। पानी कहाँ है? पानी नल में होता है। मजा है। हाँ मैं कहता हूँ आज का नाटक एकदम बस क्लास हो गया। मेरी जब प्याला उठा और मदहोश कर दिया। यार
बाला साहब भी हैं लाखों में लाखों में। अरे क्यों नहीं, अरे इन दिनों तो मुझ पानी कोई पिलाता नहीं तो दारू कौन पिलाएगा। अरे कौन जीतता है, अरे कौन जीतता है, कौन जीतता है। सिर्फ तुम्हारे हाथ है। बज चुके हैं, नाटक शुरू करो, नाटक शुरू करो। विनय कुमार, अब चार कलाकारों से नाटक करना होगा। देखो तुम किसी तरह इसमें चेंजेस कर दो अभी। गणेश चाचा, हाँ गणेश चाचा, अब जरा मेज सेट के साथ एप्रेस स्टेज लगा दीजिए। हाँ हाँ, गंगा तुम मेकअप की ड्यूटी पर। रानी देवी, रानी देवी अब एक ही ख्याल रखिए, जैसे सुझे वैसे समाज बोलिए। पर कैसे हो सकता है ये? होगा 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 ही। लेकिन सुनिए तो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं इस नाटक का प्रॉम्प्टर हूँ, हमेशा रहता हूँ पर्दे के पीछे और कलाकारों को संवाद सुझाता हूँ, पर आज बदकिस्मती से साथियों के बेवफाई से मुझे ही पर्दे से बाहर आना पड़ा। दोस्तों हम भारत के बेटे हैं, किसी पर संकट आ जाए तो हम लोग कभी उसके लिए जान तक देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मुसीबत तो यह है कि उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले शैतान कहीं कम नहीं। कोई कितनी ऐसी छीके मारे, लेकिन आज इस मुश्किल का हम जरूर सामना करेंगे। मौका तो बेहद नाजुक है, पर भारत के बेटे भी तो जीदार सच्चे सैनिक हैं। साथी चाहे पीठ में खंजर भोग दे लेकिन वो मोर्चा कभी नहीं छोड़ते। हमारे साथियों ने बेवफाई की तो कोई फिक्र नहीं, हम जो चार आदमी हैं वही नाटक करके दिखाएंगे और उस झांसी वाली की बहादुरी का हम कीर्तन करेंगे। हमें ये कीर्तन नहीं, नाटक चाहिए, नहीं तो पैसे वापस दो। को पैसे दे चुके हैं, क्या होगा? उन्हें पैसे वापस मिलेंगे,
झांसी वाली के जवान अकेले लड़ते हैं, आजादी की जंग की कहानी अपने खून से लिखते हैं, कलाकार उनकी जीती जागती तस्वीर पेश कर देते हैं और जिंदगी की उस लहर से मंदिर खड़े हो जाते हैं। ऐसी घड़ी में कौन अपने पैसे वापस मांगेगा? है पर यहाँ ऐसा माँ का लाल। रसिक जनों, जो लोग कीर्तन सुनना चाहते हैं वो शौक से सुन सकते हैं और मन की आंखें खोलकर नाटक देख सकते हैं, और जो झांसी की रानी के भक्त हैं वो इस नाटक में भाग लेकर इसमें रंग भर सकते हैं। चुप भाई, रानी देवी शाबाश, ऐसे ही हिम्मत से आगे बढ़िए। मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये किसके दिल की पुकार है? इस पवित्र भूमि के वास्तु देवता तो नहीं जाग उठे? सावधान झांसी के लोगों, सावधान। नहीं
रानी लक्ष्मीबाई का होशियार। होशियार कल खुदा का मुल्क रैयत का। झांसी के लोगों, एक एक पल अनमोल है, जरा गौर से सुन लो। इस वली की ये भविष्यवाणी है, फिरंगी का राज खात्मा होगा, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत तबाह होगी, देश आजाद होगा, ईश्वर जाग उठा है, देश ललकारता है, लश्कर उठ रहा है। तुम भी उठकर आखिरी मुकाबले की तैयारी करो। नेता का हुक्म मिलते ही बच्चे बच्चे को जान पर खेलना पड़ेगा, पर सावधान, आज चुपचाप ये शुभ्र कमर हाथ में लेकर मैं तुम्हारे कान में जो कहूँ वो शपथ लो। इस शुभ्र कमल को याद रखो, हमारे देश के गांव गांव में ये कमल घूम रहा है। बच्चे बूढ़े औरत मर्द आखिरी हुक्म के लिए इस कमल की राह देख रहे हैं। झांसी के लोगों, आज तुमने ये कमल हाथ में लिया और वचन के बंधन में जकड़े, अब मरते दम तक पीछे न हटना। हमेशा ये शब्द याद रखना, इशारा हो जो बोलो ना, बोलो जो वो लिखो ना, लिखो जो वो कहो ना। शुभ्र कमल जब आएगा फिर से नारा गूंजेगा, आजाद थे हम आजाद ही रहेंगे, फिर से नारा गूंजेगा। शुभ्र कमल जब आएगा स्वतंत्रता के हम ही प्रेरक, स्वतंत्रता के हम ही प्रेरक, पुण्य भूमि के सुपुत्र सेवक। पुण्य भूमि के सुपुत्र सेवक, घर घर ही में घड़ दो सैनिक। याद रखना सत्ता वालो, सिंह है ये जागा। शुभ्र कमल जब आएगा, शुभ्र कमल जब आएगा, शुभ्र कमल जब आएगा। अंग्रेजों के शोले बरस रहे हैं, तिब्बत राजा का ब्रह्मदेश उड़ गया, रंजीत सिंह का पंजाब गिर गया, नवाब की अयोध्या उजड़ गई, भोसलों का नागपुर पिस गया, छत्रपति का सातारा मिट गया, पेशवाओं का पुना तबाह हो, फिरंगियों का जुल्म बढ़ रहा है। सावधान, याद रखो, अब तुम्हारी एक ही रीत, एक ही प्रीत, एक ही वो गीत। शुभ्र कमल जब आएगा देश आजाद हो जाएगा। का शाही दरबार अंग्रेजों के भेजे हुए राजदूत का स्वागत करता है। हम तुम्हारा बहुत थैंक्स करता है रानी साहब। गवर्नर जनरल का मेजर मालकम साहब का पास एक अर्जेंट फरमान आता है,
वो आपका पास बताएगा, ऐसा हमको हुक्म होता है। लक्ष्मण राव, हमें फरमान सुनाया जाए। झांसी के महाराजा गंगाधर पंत बेशक मरने से पहले दामोदर पंत को गोद ले चुके थे, मगर महामान्य गवर्नर जनरल की तरफ से वो गद्दी नशीनी नामंजूर कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक झांसी का राज ब्रिटिश सरकार के अमल में शामिल कर लिया गया है। इसके मुताबिक बस बस, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के साथ हमारा जो इकरारनामा है उसकी बात करो। रानी साहब, गवर्नर जनरल का मेहरबानी है, तुम्हारा तनख्वाह देगा और मान इज्जत भी। तुम झांसी का सौदा करना चाहते हो हमसे? हम इस गद्दी के मालिक हैं, हमारा मुद बनना अंग्रेजों को मानना ही पड़ेगा। माफ करना, ये नहीं हो रहा सकता। झांसी का राज शामिल कर चुका। मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। अंग्रेजों की मौत का फरिश्ता हूं, इस देश में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं रहेगा। कहो सर हीरोज से तुम क्या संदेश लेकर आए हो? संदेश यह है, आपके लोगों ने हमारे राजदूत को मार डाला, आपको इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। झांसी अब अंग्रेजी अमल में शामिल है, अंग्रेजों की 30,000 फौज तैयार होकर झांसी के दरवाजे पर खड़ी है, फौरन हथियार डालकर अंग्रेजों की शरण लीजिए वरना। तुमने झांसी की रानी को समझा क्या है? मैं शिवराम भाऊ ऐसे महावीर सेनापति की बहू हूँ, हीरो से जाकर ये कह देना मैं उसे चूड़ियां पहनाकर वापस विलायत भेज दूंगी। तो मैदान जंग ही में इसका फैसला होगा। रानी साहब, सर साहब के संदेश पर गौर कीजिए, अगर हार गईं तो एक हारे हुए दुश्मन का सा बर्ताव किया जाएगा, सर साहब हरगिज रहम नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत सर साहब से कहना कि तुम्हारे संदेश का उत्तर ये है। रानी साहिबा, बंदे का ख्याल है इस वक्त हमें सर हीरो से समझौता करने ही में फायदा हो सकता था। अंग्रेजों की पूरी सल्तनत की ताकत सर हीरोज के पीछे है। पराधीनता के सिवाय सर हीरोज को कोई समझौता मंजूर नहीं। झांसी की रानी जान दे देगी मगर अधीन नहीं होगी। पर सरकार, शिकस्त पाली तो निरपराध झांसी की जनता की क्या हालत होगी इसका आपको अंदाजा है क्या? ठीक है, ये झांसी वाले इसका फैसला खुद करेंगे। अरे झांसी के लोगों, बहुत नाजुक वक्त आ गया है। अंग्रेजों का सेनापति झांसी के दरवाजे पर खड़ा है, दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा है, पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का मेरा पक्का निश्चय है। मैं तो बस यूं ही हूं एक विधवा, आज सिर चावल ही चाहिए, मुझे हाथ में तलवार लेने का शौक नहीं। लेकिन शायद यहाँ जल्द ही एक सख्त खूरेज लड़ाई होकर रहेगी। बोलो झांसी के लोगों, मैं ये पूछती हूँ, अधीनता या तलवार? तलवार, तलवार। फिर आप, यही हमारा नारा है। मेरी मदद के लिए चाहिए 2 शूर स्त्रियाँ। कोई झांसी वाली अपना सर हथेली पे लेके मेरा साथ देने को है तैयार? हाँ। शुक्रिया।
सरकार, दाएं मोर्चे की दीवार गिर पड़ी है। फिर कौन सा पहाड़ गिर गया है? आज ही रात को बना डालो। मुश्किल है, ऐसी बरसती गोली में नीचे उतरेगा कौन? रानी साहिबा, हम उतरती हैं। शाबाश बहनों, पर ये काम तुम्हारा नहीं, नीचे मर्दों को ही जाना पड़ेगा। झांसी के लोगों, मोर्चा बांधने के लिए चार जाबाज जवान चाहिए, कोई है तैयार? हम तैयार। नीचे बैठो, मोर्चा बांधना के मोटर धकेलना है। शाबाश, आओ मेरे साथ। ये रहे चार जवान, इन्हें फौरन कंबल उड़ा दो और इन्हें रस्से से नीचे उतारो। जो आ गया सर। जाओ पानी और जख्म मारने के लिए पट्टी ले आओ। गौस खान, हम तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी करते हैं। घबराइए मत सरकार, सिर्फ हाथ को गोली लगी है। ठहरो गौस खान, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आराम? अब तो उसी दिन जिस दिन झांसी आजाद होगी। गौस खान, जुल्म होगा सरकार। दक्षिणी तट वाला ओरछा दरवाजा अंग्रेजों ने सर कर लिया। ओरछा दरवाजा अंग्रेजों ने? नहीं नहीं, बेशक सरकार, दुलाजी ठाकुर अंग्रेजों से मिल गया है। मिल गया है? अरे झांसी की वफादार दीवारों, तुम कहो इस मट्टी से घड़े हुए बंदों की बेवफाई का शाह इस देश को कब तक भुगतना है? सरकार, सरकार, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट शहर में भारी सेना लेकर घुस आया है, हर तरफ लूट मारा खून खराबा जाए। बाबा साहब, अंग्रेजों ने सारा शहर मिटा दिया। हमारी लाडली सुंदर झांसी को पूरी तरह तबाह कर दिया। रानी साहिबा, आप तो वीर हैं, हाथ में अगर शस्त्र लेकर युद्ध आरंभ किया है तो इस नाजुक मौके का सामना करना आपका फर्ज है। आपने ठीक ही कहा है। देखिए रानी साहिबा, युवराज को लेकर अब भी फौरन घोड़े पर दुश्मन की दीवार फलांग कर कालपी में पेशवा के पास जाने का प्रयत्न कीजिए। पर इन बेचारे निहत्ते झांसी वालों का क्या होगा? इनकी कौन रक्षा करेगा? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? हम डट कर लड़ेंगे, हम फिरंगियों का मुकाबला करेंगे, लड़ते लड़ते हम आजादी लेंगे या मर मिटेंगे। बोलो साथियों, अधीनता या तलवार? प्यारे झांसी वालों, मैंने अगर कोई भूल या गलती की हो उसके लिए क्षमा करना। अगर झांसी आजाद हो गई तो ये तुम्हारी रानी वापस आएगी, नहीं तो ये हमारी आखिरी भेंट। दरवाजा खोल दो। पर बिजली ना ही हर
साथ आई पर बिजली ना ही हाथ आई। सैन्य का फंद तोड़े चल धाई चली वो दौड़ती 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 कालपीरे मन ही मन साहब गया झुंझला क्रुद्ध हो हाथ रहा मलता क्रुद्ध हो हाथ रहा मलता छिपाई तृषा न जागी सो पाई ना विश्रांति छूटी लाल को अपनी पीठ से बांधे वो भी हथूला भूखी चूना बोले भूखी चूना बोले भूखी चूना बोले रात और दिन वह रही दौड़ती कांति का मार्ग झांसी की बिजली झांसी की बिजली झांसी की बिजली भांडे नामक एक था गांव रे भांडे नामक एक था गांव रे कोई महाजन का घर था लड़के के मुख एक ग्रास आ जाए कि लड़के के मुख एक ग्रास आ जाए कि रानी क्षण एक भर ही तो थमी रे रानी क्षण एक भर ही तो थमी रे दुश्मनों की सारी पीछे पड़ी रे ग्रास फेंका वही वो झट उठी ग्रास फेंका वही वो झट उठी तलवार तो भरती शत्रु पर भाई चार दिशी रण क्रंदन गूंजे चार दिशी रण क्रंदन गूंजे हिरंगी का कंठ काट धार से भूखता से दौड़ बढ़े आगे भूखता से दौड़ बढ़े आगे कल्पी छोड़ दौड़ती रानी भाया बड़ा घुनी घोड़ा ही मानी रास्ते में त्याग हाय रे प्राण पति की जिसने रखी हो आन मानवा झूठे तोरे ईमान मानवा झूठे तोरे ईमान अरे घोड़ा ईमानी मानवा झूठे तोरे ईमान मानवा झूठे तोरे ईमान दोनों की ज्वाल बह पड़े दोनों की ज्वाल बह पड़े कैसे रानी भलक अकेली दौड़े कैसे रानी भलक अकेली दौड़े फिरंगी आए किया भागम भाग शिकारी कुत्ते जैसे उसे लड़ रहे एक स्त्री से बड़े शेर लड़ रहे एक स्त्री से बड़े शेर युद्ध था नाले धार किनारे खत्म किए सारे जान से मारे रानी रे खुद ही उसके गले माल आखिरी इच्छा पूछे उसे काल इच्छा पूछे महाकाल साथियों इस बेमिसाल भारत की बेटी का बलिदान एक दिन जरूर रंग लाएगा। ऐसी क्रांतिकारी इस देश में नहीं बल्कि संसार में कहीं पैदा नहीं होगी। ये क्रांति नाकाम हो गई तो क्या हुआ, इस क्रांति की ज्योत से दूसरी क्रांति की ज्योत जलेगी। साथियों
इस जलती हुई चिता को साक्षी जानकर शुभ्र कमल को अपने मन में बसा लो और लो ये शपथ। शुभ्र कमल जब आएगा, शुभ्र कमल भी अजीब बात है। अरे जब उस शख्स ने बंदूक तानी तो बस मैं उसी जगह पर गड़ कर रह गया था। ऐसे लगता था कि हम झांसी में हैं। क्यों बाबा साहब, कैसा लगा आज का नाटक आपको? अभी नाटक तो ऐसा बुरा नहीं था, पर उसकी इतनी तारीफ की जाए ऐसी कोई बात उसमें नहीं थी। अरे ये महाशय कहीं अपने आदमियों की तारीफ सुनकर खुश हो सकते हैं? चलो प्यारे। ऐसी बात नहीं, शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें फिर तो। चलो ना, ये जन्म भर नाटक शास्त्र ही पढ़ेंगे। चलो। पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक गधा है, नाटक शास्त्र क्या कहता है ये समझने के लिए जरा से भी अक्ल नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं। तुम उनसे भी मूर्ख हो। बैठे किस लिए? उतरो नीचे, धकेलो गाड़ी। कितनी धकेले, लेकिन आपकी गाड़ी बंद ही पड़ेगी। रोज रोज की किटकिट कौन करेगा? बलवंत राय, तुम उतरो नीचे, धकेलो गाड़ी। बलवंत राय, आप यहां बैठी, मैं आपको वहां देख रहा था। सच, आज तुम साथ न देते तो और देवदत्त आपकी मदद के लिए कहीं से आ जाता? भला कौन आता है ऐसे? तुम्हारा कितना आभार। नहीं नहीं, उपकार। बस बस, उठिए अब, घर चलना है ना, चलिए उठिए। चलिए नहीं, चल कहिए। बस बस, मान लिया, चल भी, उठना। ऐसा भी क्या है, बैठिए बैठिए ना, बैठिएगा या कि मुझे आप? नहीं बैठा। अब मेरी जरा तारीफ कीजिए ना। कमाल किया। कमाल किया, ये तारीफ हो गई मेरी। मैं सिखाती हूँ आपको तारीफ कैसे की जाती है। बोलिए। रानी रे, पराक्रम सारा रा
रख तोरा पराक्रम सारा रानी री। तू मेरी आज ब्रह्मचारी मिठू ला जाए कैसे तुम्हें मनवा लाज से है मरी मैं वारी दुनिया इतना बदल गया जमाना रानी। शुभ मंगल सावधान चाचा। वाह वाह घर जाऊं मैं खबर देने हाँ बेटी खबर देने हाँ। शुभ शादी मंगल ये कहो झट से हाँ बेटी आशीष मेरा। रानी बेटी ये नए इंजीनियर साहब जानती हैं क्या कहते हैं? मंदिर के दरवाजे पर शिला लगाकर उस पर आपका नाम लिखवाया जाए सबकी इच्छा है। मेरे नाम से पहले तो और बहुत से नाम लिखवाना चाहिए। बाबा का नाम तो लिखवा ही रहे हैं। इनका नहीं कहते, ये मंदिर बहुत दिन हुए जिन्होंने पहले बनाया उनका, और जिन्होंने इस मंदिर के लिए कष्ट उठाकर इसे खड़ा रखा उनका। और उनके नाम कौन बताएगा, इतिहास को भी उनके नाम मालूम नहीं। उस ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है पर ये देखे कि अपने नाम की उसने कहीं पर भी मोहर नहीं लगाई संसार में, फिर मंदिर की शिला पर मुझे इसी साधारण लड़के का नाम क्यों लिखवाया जाए? ठीक है पर काल के अथाह सागर में नाम के चमकते ताज डूब जाते हैं और कार्य के कलश सदा ही आकाश पर गर्व से झलकते रहते हैं। ऐसा ही हमारी मिट्टी का कर्म है ना? वाह बेटी वाह।